सेटअप लगाता हूँ, और क्योंकि अंधेरा होने वाला है, अंधेरा होने से पहले लगाना है, और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, और सारी तैयारी करनी है खाना बनाने की, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। फाइनली नीचे से पानी भर के ले आया हमने, काफ़ी नीचे था, काफ़ी एकदम से खड़ा है, तो 5 लीटर पानी, 1 लीटर, 6 लीटर, समथिंग 4 तो आ ही गया होगा, तो इतना पानी नहीं, इतना पानी बहुत है, मतलब खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए और पीने के लिए हो ही जाएगा। अब शुरू करते हैं खाने का। अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है, चलो जान आई, कम से कम आग लगा लेते हैं। बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करके लाया मैं, थक गया, ये दो कामों में बहुत थक गया मैं, एक लकड़ी इकट्ठी करने में, दूसरा नदी में से पानी लेके आने में, बहुत नीचा ही है एकदम से यहाँ पे, तो मुश्किल से उतर के गया, गिरता गिरता बचा मैं। थोड़ी सी लकड़ी और लेने जाना पड़ेगी मुझे, अगर रात में कमी पड़ी तो, क्योंकि यार ठंड पड़ती है तो आग ही सहारा है। कैंपिंग ऐसे ही नहीं हो जाती यार, देखो हथेली में लग गई। चलो कोई नहीं यार, ठीक है,
पानी फेंक देते हैं इनको धो के। एक बार देख ले यार कि कैसा लग रहा है। धुआं रहा है आपका दोस्तों। अभी आगे यार मैं लाइव टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ तो नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। और लाइव मैंने जब देखा था कल जो मतलब मैंने मुक्तिनाथ का देखा था, मुक्तिनाथ का टेम्परेचर -11 था, तो समथिंग यहाँ का टेम्परेचर अभी -5 -3 ऐसा कुछ होने, पर माइनस में तो होना चाहिए, पर मुझे कंफर्म नहीं। मैं आग जला के बैठा हूँ, मुझे पूरा फुल पैक होके सुबह चेक करके बताऊँगा कि रात को कितने बजे तक कितना गया था। अभी तो मुझे क्लियर हो नहीं पा रहा है ऐसा कुछ है। और मैं एक बार मेरा चावल बता दूँ कि राइस हुए कि नहीं, ये देखो यार क्या धुआं उठ रहा है यार। खाना बनाने में यूज़ कर रहा हूँ सरसों का तेल, जो कि मैं इंडिया से ही लेके आया था, क्योंकि यहाँ पे मिलता है सूरजमुखी का तेल, तो पूरा तेल का कर देंगे मुझे। सब्जी हो रही है मेरी, तो मैं एक बार आपको जो मैं करता हूँ आपको दिखा दूँ। मैं एक टॉर्च रखता हूँ जिससे मैं आसपास देखता रहता हूँ कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई जानवर तो नहीं है आसपास, तो इस तरीके से मैं टॉर्च रखता हूँ और दूर तक देख सकता हूँ कि कोई है तो नहीं है। तो आपको दिखा रहेगा अभी पानी भरा है सब पानी सब देखो, तो ये रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सब्ज़ी अब तैयार होने को है, बहुत ही गजब की खुशबू आ रही है सच में यार, और पीछे रिवर की आवाज़। उसके बाद खाते हैं बस और सोते हैं, और सारा समेटना है क्योंकि खाने का सामान बाहर नहीं छोड़ सकते क्योंकि जंगली जानवर का डर रहता है। एक बार टेंट के अंदर का सीन दिखा दूँ आपको, तो ये देखो मेरा टेंट और ये अंदर का कुछ सीन, ये मेरा स्लीपिंग बैग और ये मेरा पूरा सामान रखा हुआ है। ये बैग अभी बाहर रखे हुए हैं दो, तो इसको मैं अंदर करूँगा। काफ़ी जगह है मेरे टेंट में, बाहर से देखने में नहीं लगती, काफ़ी जगह है। दोनों बैग वहाँ पे कोने में आ जाएंगे, साइड वाले सैडल बैग मेरे, तो आप पीछे से सो भी पाऊँगा मैं। ठंड का जो होगा वो सीन वो मैं आपको बता दूंगा, अभी तो ठंड लग रही है सच बताऊँ तो। पर जब मैं नेपाल के टूरिज्म ऑफिस गया था तो वहाँ पे मैंने उनसे कन्फर्म किया कि मैं वहाँ पे कैंपिंग कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे अलाउड किया कि हाँ आप कैंपिंग कर सकते हैं। वो परमिशन मैं वहाँ से लेके आया नेपाल टूरिज्म ऑफिस से, नहीं तो यहाँ बैठ के मैं कैंपिंग नहीं करा तो कर रहा होता, क्योंकि दूसरे देश में आके कैंपिंग करना खुद की जान को भी खतरे में डालना ही है एक तरीके से। और सुबह का पूरा सीन यहीं से बताऊंगा मैं आपको कि सुबह जैसे ही होगी तो कैसा लगेगा, पैर ठंडे होने लगे यार, ठंड बहुत ज़ोर से है यार, बहुत ही ज़ोर से।
टेम्परेचर का मुझे बिल्कुल भी अंदर नहीं लग रहा, मैं अंदर आ गया हूँ क्योंकि बाहर मुझसे बैठते नहीं बना जा रहा था। तो दोस्तों यार अभी की सिचुएशन मैं आपको बता दूँ तो ये हो रही है कि मैंने चावल लिए जस्ट और मैंने हाथ धोए पानी से, मेरे पूरे हाथ जमने लगे, तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है बाहर, मुझे अंदर आना पड़ा टेंट के। और जल्दी से मुझे टेंट को, सच बताऊँ तो टेंट को पूरा ढकना है, उसके बाद मुझे आखिर में ये देखो ये मॉस्किटो देखो आप, ये देखो यार कितना बड़ा मच्छर है यार टेंट के अंदर। अब इन चीज़ों से ही बचना है, खाना भी खाना जल्दी से और जल्दी से सोना भी है। और ऊपर से जो मैं लेके आया हूँ तिरपाल जो मैंने मंगाया था ऑनलाइन दिल्ली से, तो इसको भी डालना है, कवर करना है क्योंकि रात में बारिश आ सकती है। ठंड का मैं आपको बता दूं कितनी जोर से है, बाहर हाथ निकाला ना उंगलियां जमने लगी हैं बहुत जोर से, कैसी लाल पड़ गई है यार, बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रहा है बाहर। एक पानी की बोतल मैं अंदर रखूंगा भर के क्योंकि जम जाएगी वो रात को। दोस्तों मैं अब आ गया हूँ टेंट के अंदर और मुझे सर के नीचे कुछ रखने मिल नहीं रहा था तो मैंने ये नी गार्ड है तो नी गार्ड रख लिया। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बाहर और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा टेंट वाटर प्रूफ नहीं है, तो उसके लिए मैंने एक तिरपाल मंगाया था दिल्ली से ऑनलाइन जो 9x9 का आता है, उसको मैंने पूरा कवर, टेंट को पूरा कवर कर दिया है। अब कितना भी पानी आए, स्नो तो अभी गिर नहीं रही है यहाँ पर, तो कितना भी बार बारिश आती है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है क्योंकि नदी की आवाज़ इतनी तेज आ रही है कि क्या ही बताऊँ। चलो मैं रखता हूँ ना, चलो फिर मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हो रहे हैं सुबह के 6:56, काफ़ी ज़्यादा ठंडी है तो बाहर नहीं निकला मैं, बाहर का व्यू यहीं से देख लो आप। फिर निकलता हूँ मुक्ति नाथ के लिए। रात बहुत ज़्यादा ठंडी रही, बहुत ही ज़्यादा ठंडी रही और रात को हवा चल रही थी बहुत जोर से, इसकी आवाज़ आ रही थी बार बार, पीछे ऊपर से अपने तिरपाल लगा इसकी आवाज़ आ रही थी सारे, सो नहीं पाया ढंग से, कैमरे में ढंग से सो ही नहीं पाते। सच बात तो ये था नहीं घर जैसे बिल्कुल ब्रेक ऑफ होकर सो जाओ, सो नहीं पाते कैमरे में। ये तैयार हो रही है हमारी चाय, तो दूर हो गया है ये शानदार वाले नज़ारे देख लो पहाड़ों के, प्यारी सी मेहती नदी। तो रात को कैसे सोया था मैं दिखा दूँ आपको, ऊपर से तिरपाल ढक दिया था मैंने कि बारिश वगैरह आ जाए तो कभी गीला ना हो जाए, अंदर पानी आया तो चिंता ये बता रही थी पानी आया तो कहीं यहाँ से पानी बहकर यहाँ नीचे ना आ जाए, पर भगवान की कृपा है कि पानी नहीं आया,
ठंड गई बहुत ज़ोर से थी, बहुत ही ज़ोर से। और ये देख लो मेरा ब्लैक पैंथर क्या हालत हो गई है चलते चलते। और तारीफ करूँगा मेरी गाड़ी की, हार नहीं मानी। ये देखो यार, ये देखो क्या MP 67 क्या करना है, क्योंकि मेरी जो पावर बैंक है, जो ही पावर बैंक इसमें लगा भी रखी है, तो सब डिस्चार्ज हो चुकी है। तो पहाड़ पूरा ऊपर से नीचे गिरा यार, कोई भरोसा नहीं यार पहाड़ों का। ये देख लो यार पहाड़ों वाली चाय, बहुत ज़्यादा कड़क कर लिए मैंने, क्योंकि कड़क चाय ही पी उन्होंने। और बस होने को है गर्म गर्म चाय और छानी और पीनी और बर्तन साफ करके निकलना है। ये देखो चाय, ये हमारी केतली, तो चाय बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं चाय की चुस्कियाँ लेता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ वहाँ को। तो पूरा सामान अभी इकट्ठा करना है, इसमें आधा घंटा कम से कम लग जाएगा। जल्दी से निकल लूँ, आज बहुत ज़्यादा सफ़र तय करना है, क्योंकि 2.5 घंटा यहाँ से मुक्तिनाथ का लगना है और लौटने में लगने हैं 7.5 घंटे। तो 2.5 और 7.5 यानी समथिंग 10 घंटे का सफ़र है। तो अभी से निकलूँगा तब रात हो जाएगी। दोस्तों तैयार हैं हम निकलने के लिए, और मैंने सारा सामान बाइक पे लाद दिया है, पूरा अच्छे से सब कुछ बांध दिया है। जो भी कचरा खाना बनाने हुआ था वो सब मैंने साथ में रख लिया है, क्योंकि दूसरा देश है, अपना देश हो चाहे दूसरा देश, गंदा कहीं भी नहीं करना है। तो यहाँ भी डस्टबिन मिलेगा तो मैं उसको वहाँ पर डाल दूँगा। और इसको अब ये देख लो, नेट एंड क्लीन है पूरी जगह, जैसा मैं आया था वैसे ही छोड़ के जा रहा हूँ उसको, कुछ भी गंदा नहीं किया है मैंने। इसके बाद मैं निकल रहा हूँ मुक्तिनाथ को। और इस पूरी प्रोसेस में मैं उठ गया था 7 बजे और अभी हो रहे हैं 8:45, यानी 2.25 घंटे का समय लग गया। मुझे चाय पी, मैंने पूरा सामान पैक किया ये उठाने में, तो 2.25 घंटे लग गए। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, जल्दी से राइड शुरू करता हूँ। गाड़ी चालू हो जाए यार, ब्लैक पैंथर रोका नहीं देगी मुझे पता है। गरम कर लेते हैं इसको, चाहे देख देख के चढ़ानी पड़ेगी। यहाँ गिर गया तो कोई उठाने वाला नहीं है मुझे। आ गए भैया प्यारे वाले रास्ते पर। तो अभी मैं 1 या 1.5 किलोमीटर ही चल के आया हूँ। तो ये देख लो, ये पूरा जो पानी बह के आया ना, ये पूरा बर्फ हो गया है। तो रात को 0 टेम्परेचर से भी कम था, माइनस में टेम्परेचर था। पूरा पानी यहाँ से वहाँ तक जो बह रहा है ना, पूरा जमा हुआ है। तो बहुत ही खतरनाक वाली ठंड थी रात को। और ये देख लो सामने नज़ारा हिमालय का,